बदमाश कंपनी और गो गोवा गोन जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर वीरदास की हम बात करना चाहेंगे इस वक्त। वीरदास के बारे में ये बताना चाहेंगे हम आप सभी को कि अमेरिका में भारत पर कैसी कविता सुनाई कि लोग उन्होंने देश विरोधी एंटी हिंदू कहना शुरू कर दिया उन्हें लोगों ने। जी हाँ, आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है वीरदास ने जिसके बाद लोग गुस्से में नजर आए हैं, एंटी हिंदू उन्हें कहते नजर आए हैं। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है क्योंकि भारत देश और यहाँ के नागरिकों का मजाक बना दिया है हंसी हंसी में वीरदास ने, ये लोगों का कहना है। जिसके बाद लोग काफ़ी भड़के नजर आए हैं वीरदास पर और ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। चलिए आपको हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में बता दें वजह इसकी क्या खास है। दरअसल काफ़ी ज़्यादा गुस्से का सामना वीरदास यानी कि सामना कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हंसी मजाक में कुछ ऐसा कहा जो लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। वीरदास के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दिया गया है और एडवोकेट आशुतोष दुबे ने कंप्लेन फाइल करके जो है सो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कह दिया है, आई हैव फाइल्ड द कंप्लेन अगेंस्ट वीरदास इंडियन कॉमेडियन विद सीपी मुंबई पुलिस फॉर डिफेमिंग एंड स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ इंडिया इन यूएसए व्हिच इज इन्फ्लेमेटरी। ही विलफुली स्पेल्ड इंसाइटिंग एंड डेरोगेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया इंडियन वुमेन एंड द पीएम ऑफ इंडिया। ये गुस्सा निकला है उन पर। वीरदास ने इस पर माफीनामा पोस्ट शेयर किया है लेकिन क्या होगा, सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट नाइट न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।